हेलो फ्रेंड्स, मैं राजेश वापस से आप लोगों का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्टीमेट लक्ष्य पे। तो आज मैं आया हूँ अक्टूबर मंथ के करंट अफेयर एनालिसिस के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके पार्ट फोर को लेकर। इससे पहले मैंने जून से लेकर सेप्टेम्बर मंथ तक का ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, जो जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा जो मॉर्निंग सेशन में करंट अफेयर एनालिसिस की जो सीरीज चल रही है, उसका भी मैंने जून से लेकर अक्टूबर मंथ तक का ऑलरेडी कम्प्लीट कर लिया है और नवंबर मंथ भी वहां पे चल रहा है। तो इन सारे वीडियोस का लिंक जो ऑलरेडी हो चुकी है, इनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या ऊपर राइट साइड जो आई आइकन है वहां से भी आप वीडियोस के लिंक पे डायरेक्टली जा सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। जैसा कि हम हमेशा शुरू करने से पहले आपको एक मैप क्वेश्चन करवाते हैं, तो ये रहा आज का मैप क्वेश्चन। आइडेंटिफाई दिस प्लेस वेयर कलश आइलैंड इज लोकेटेड। तो कलश आइलैंड किस जगह में लोकेटेड है ये हमें बताना है। तो ये कहाँ पे? सुंदरबन, जो कि वेस्ट बंगाल में है। और ये सुंदरबन डेल्टा जो ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है, ठीक है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है, जो कि उसका कुछ पार्ट, मतलब ये सुंदरबन डेल्टा सबसे बड़ा है बट सुंदरबन डेल्टा का कुछ पार्ट हमारे पास है और मैक्सिमम पार्ट बांग्लादेश के पास है, ठीक है। तो ये क्यों था न्यूज में? क्योंकि हाल ही में ना ये साइक्लोन बुलबुल जो है ना, वो हाल ये आपको जो कलश आइलैंड के बगल में जो सागर आइलैंड है, यहाँ पे काफी ज्यादा मतलब साइक्लोन की वजह से लैंडफॉल हुई थी, तो ये उसी से रिलेटेड है। यहाँ पर भी काफी इफेक्ट हुआ था, तो इसलिए हम लोग यहाँ सागर आइलैंड तो पहले से अच्छे से जानते हैं, तो इससे जुड़े हुए जो, क्योंकि इस कलश आइलैंड जो है इस बीच को भी काफी इफेक्ट किया गया था, ठीक है। तो ये इस साइड पूरा जो एरिया होगा ये हो गया आपको आपको वेस्ट बंगाल में आता है, और इधर से पूरा एरिया आपको बांग्लादेश की तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो उसके अलावा हम देख लेते हैं, ये हो गया सागर आइलैंड जिसको गंगा सागर बोल के भी काफी फेमस है, काकद्वीप, नामखाना, यहाँ तक। तो ये जो बखाली जो एरिया है ये एक बहुत ही टूरिस्ट स्पॉट है, जहाँ पे ट्रेन तक जाती है इस एरिया तक, नामखाना तक, ठीक है। उसके अलावा ये हो गया कलश बीच, जो कि जिसके बारे में हम लोग अभी मैप में देख रहे हैं, ठीक है। ये वेस्ट बंगाल का, ये सिर्फ सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व है यहाँ पे, ये पूरा वेस्ट बंगाल नहीं है यहाँ पे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन आंसर का ये सीरीज। तो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह याद देना चाहूंगा, प्लीज आप लोग अपना पेन पेपर लेके बैठ जाएं, या जो फ्रेंड्स फोन में ही अपना ऑप्शंस लिख रहे हैं तो उसको जैसे ही क्वेश्चन आएगा आप प्लीज वीडियो को पॉज करेंगे और अपने आंसर देना स्टार्ट करेंगे, और लास्ट में जरूर एनालिसिस करिए और कमेंट बॉक्स में प्लीज बताइएगा कि किसने कैसा आंसर सही किया। कल हमारे फ्रेंड्स में कुछ लोगों ने बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया, तो प्लीज ऐसे ही बनते रहिए, और जो भी आप लोग अटेम्प्ट करते हैं अपने प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि मुझे पता चले कि आप कितना ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं, ताकि मुझे भी एक तरह का मोटिवेशन मिलेगा कि मैं और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूँ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है आज का, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो WTO से रिलेटेड आपको तीन स्टेटमेंट दिया हुआ है और हमें करेक्ट पूछा जा रहा है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो तीन स्टेटमेंट में क्या बोल रहे हैं कि WTO इज द ओनली ग्लोबल, ये देखिए ओनली ओनली ग्लोबल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डीलिंग विद द रूल्स ऑफ ट्रेड बिटवीन नेशंस। तो ऐसा क्या सच बात है कि WTO क्या सिर्फ ओनली ग्लोबल, पूरा वर्ल्ड में सिर्फ एक ही ऐसा ग्लोबल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है? चलिए देख लेते हैं क्या है सही क्या गलत है। दूसरा स्टेटमेंट है WTO can कट द कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इंटरनेशनली। तो इस तरह का मतलब बिजनेस इधर करने के लिए, इंटरनेशनल बिजनेस करने के लिए, क्या ये WTO के पास इतना पावर है कि वो कॉस्ट को कट कर सकते हैं? चलिए देख लेते हैं। बोल रहा है तीसरा कि ऑल द अफ्रीकन कंट्रीज, मतलब ऑल द अफ्रीकन कंट्रीज आर द मेंबर्स ऑफ WTO। तो क्या सही बात है, सारे मेंबर्स जो अफ्रीकन कंट्रीज है वो मेंबर्स है? चलिए देख लेते हैं, हमें करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन सी हो गया सही, यानी स्टेटमेंट 1 और 2 तो सही है कि हाँ WTO के पास पावर है कि वो मतलब कॉस्ट को कट कर सकता है बिजनेसेस से रिलेटेड। उसके अलावा सिर्फ ये ओनली ऐसा है, देखिए ये कीवर्ड हमने लिखा, इसको मार्क भी किया, बट इसका मतलब ये नहीं कि कीवर्ड है तो वो हमेशा गलत ही हो। ये कीवर्ड इस स्टेटमेंट को सही किया है और ये जो कीवर्ड है इस स्टेटमेंट को गलत किया है, ठीक है। तो इसलिए ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा कीवर्ड का मतलब उस स्टेटमेंट को ही गलत माना है। मतलब ये हुआ कि आप कीवर्ड के हिसाब से आपको जज करना है कि वो स्टेटमेंट सही है या गलत है, उस कीवर्ड पे ही पूरा का पूरा निर्भर है, ठीक है। तो इसलिए ये ओनली इसको सही करा दिया यहाँ पे, बट ये ऑल जो है यहाँ पे इसको गलत करा दिया, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे ये है वर्ल्ड मैप, तो वर्ल्ड मैप पे ये अफ्रीकन का ये कंट्री देख रहे हैं, जहाँ सोमालिया है, जहाँ पे इटेरिया, ये जो हॉर्न है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ये सारे कंट्रीज है ना, ये WTO के मेंबर नहीं है, ये ऑब्जर्वर कंट्रीज है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे पूछा जा रहा है, और ये ग्रीन कलर के जितना भी देख रहे हैं ना, तो मैक्सिमम सारे हैं जो ये हो गया WTO के मेंबर्स, ठीक है।
तो शुरुआत में क्या हुआ था, स्टार्टिंग में तो ये GATT के मतलब जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड के हिसाब से आए थे 1948 में, बट 1945 में इनको ये माराकेश एग्रीमेंट के तहत इनको WTO ऑफिशियली कमेंस कर दिया गया है। ठीक है, तो इसीलिए उस वक्त जब बनाया गया था तभी 123 नेशंस थे जो कि 15 अप्रैल 1994 से ही मतलब अपना सारा चीज मिलकर ये एग्रीमेंट को साइन किए थे। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ड्रॉट बॉक्स, ड्रॉट टूल बॉक्स। तो ड्रॉट टूल बॉक्स से रिलेटेड हमने हाल ही में शायद कल या परसों की क्लास में अच्छे से डिस्कस किया था, तो उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन का भी आंसर आप अच्छे से दे पाएंगे। तो हमें करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है इस ड्रॉट टूल बॉक्स से रिलेटेड। तो पहला स्टेटमेंट है, ड्रॉट टूल बॉक्स वॉज लॉन्च बाई वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। तो WMO के द्वारा इंडिया में ये लॉन्च किया गया था क्या, चलिए देख लेते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है, इट इज द वेब पेज दैट प्रोवाइड द स्टेक होल्डर easy access to case studies and other resources to support action on drought preparedness with the aim of boosting the resilience of people and ecosystem to drought. resilience मतलब अपना मतलब capability ताकि हम वापस से अपने आप को सुधार सके। तो ये क्या इसको boost करता है क्या? तो देखिए ये तो statement काफी बड़ा है और ऐसा जो ऐसा statement ना जो कि explain कर रहा हो किसी drought वाले situation को, मतलब क्या एक एक topic है, आप खुद भी जब स्टेटमेंट पढ़ रहे होंगे तो आपको पता चलेगा कि ये स्टेटमेंट क्या कर रहा है, इसको एक्सप्लेन कर रहा है, एक तरह से डिफाइन कर रहा है कि ये स्टेटमेंट मतलब इस ऐसे चीज जब स्कीम्स लाया जा रहा है तो क्या होगा, ऑफ कोर्स बूस्ट ही ना करेगा ना कि ये बूस्ट नहीं करने के लिए लिखाएंगे। तो ये सब चीज तो बेसिक सा चीज है जो आपको स्टेटमेंट पढ़ के ही लगेगा कि ये स्टेटमेंट सही है। बट हाँ, स्टेटमेंट वन को लेकर आपको सोचना होगा, आपको पता होना चाहिए कि ये WMO है या कोई और बॉडी है, अगर WMO है तो दोनों सही हो जाएंगे, है ना। तो चलिए करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है, बढ़ते हैं आंसर की तरफ। तो ऑप्शन डी हो गया सही, यानी ये सेकंड स्टेटमेंट जैसा मैंने बोला ये तो सही है, बट फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है क्योंकि WMO इसमें नहीं है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन उनके द्वारा ये लॉन्च किया गया था इंडिया में। ठीक है, और ये जो है ना इनका मतलब इसका फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कॉन्फ्रेंस COP14 जो कि ग्रेटर नोएडा में 2019 में हेल्ड हुआ था। ठीक है, तो इसीलिए ये ड्रॉट टूल बॉक्स का कंसेप्ट भी हमारे कंट्री में आया, तो इस तरह का इंडिया में हुआ है ये कॉन्फ्रेंस तो और ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया है। ठीक है, ये कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन का कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 14 जो कि दिल्ली में हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन AMOC, इससे रिलेटेड भी हमने अपने एनालिसिस वाले सेशन में अच्छे से डिस्कस किया था। उसके बाद बोला कि समटाइम्स रेफर टू एज द अटलांटिक कन्वेयर बेल्ट, ठीक है, इसको कन्वेयर बेल्ट भी कभी कभी बोला जाता है और इसको इससे रिलेटेड आपको तीन स्टेटमेंट दिया हुआ है और हमें करेक्ट पूछा जा रहा है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट है, इट एम्स इन डिस्ट्रीब्यूटिंग हीट एंड एनर्जी अराउंड द अर्थ। तो क्या ये इस तरह का काम करता है, ये सॉरी एम्स में बोल रहा हूँ, इट एड्स इन डिस्ट्रीब्यूटिंग हीट एंड एनर्जी अराउंड द अर्थ, ऐसा काम करता है क्या, डिस्ट्रीब्यूट करने का काम, चलिए देख लेते हैं। एट प्रेजेंट इट हैज रिमेन स्टेबल, तो एट प्रेजेंट क्या ये अभी भी स्टेबल है, चलिए जान लेते हैं। तीसरा स्टेटमेंट है, राइजिंग टेम्परेचर इन द इंडियन ओशियन कैन हेल्प बूस्ट द AMOC। तो जिस तरह का ये टेम्परेचर इंडियन ओशियन में बढ़ रहा है तो ये क्या करेगा, AMOC को बूस्ट करेगा। तो ये क्या तीनों स्टेटमेंट सही है, चलिए देख लेते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत, हमें करेक्ट पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन बी हो गया सही, यानी स्टेटमेंट वन और थ्री तो सही है पर स्टेटमेंट टू गलत है, क्योंकि ये रिमेन स्टेबल जो बात बोला ये गलत है कि हाँ ये बड़ी बात है कि लगभग थाउजेंड ऑफ ईयर से क्या हो रहा था, AMOC ना स्टेबल ही था, बट पिछले 15 साल में ऐसा देखा गया कि इसका जो स्टेबिलिटी वो धीरे धीरे घट रहा है और वो वीक होते जा रहा है, तो इसीलिए ये बात यहाँ पे ये स्टेटमेंट टू गलत हो गया। बट हाँ स्टेटमेंट थ्री सही है कि इंडियन ओशियन में जैसे जैसे टेम्परेचर राइज हो रहा है ना ये बूस्ट कर रहा है AMOC को, मतलब अटलांटिक मेरिडियन ओवरटर्निंग सर्कुलेशन है ना, इसको बूस्ट कर रहा है। ठीक है, ये इंडियन ओशियन में जैसे जैसे हिट हो रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। तो अभी इसी से रिलेटेड हमने एक और क्वेश्चन देखा था, अभी फिर एक और क्वेश्चन देख लिए, तो अभी मैं जस्ट इससे रिलेटेड डिस्कस ही किया था, तो उम्मीद करता हूँ ये आंसर तो आप आसानी से अब दे पाओगे। ठीक है, तीन स्टेटमेंट दिया हुआ है हमें और हमें करेक्ट पूछा जा रहा है। तो पहला स्टेटमेंट है, रिसेंटली फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया होस्टेड द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज UNCCD। तो क्या ये सही बात है, क्या ये जो अभी रिसेंटली हमने क्या देखा, कौन से जगह में देखा, आपको अच्छे से मैंने बताया भी था, तो ये वो क्या फर्स्ट था या उससे पहले भी हुआ है। ठीक है, ग्रेटर नोएडा में हुआ था, तो ये फर्स्ट था या नहीं था, ये हो गया यहाँ का कीवर्ड, आपको बताना है कि ये फर्स्ट था या पहले था। ठीक है, UNCCD इज द ओनली कन्वेंशन स्टेमिंग फ्रॉम अ डायरेक्ट रिकमेंडेशन ऑफ द रियो कॉन्फ्रेंस एजेंडा 21।
तो क्या डायरेक्ट रिकमेंडेशन ओनली कन्वेंशन है जो कि रियो कॉन्फ्रेंस एजेंडा 21 से ये बनाया गया है। चलिए देख लेते हैं। टू हेल्प पब्लिसाइज द कन्वेंशन 2019 इज डिक्लेयर्ड इंटरनेशनल ईयर ऑफ डेजर्ट एंड डेजर्टिफिकेशन। तो इस मतलब कन्वेंशन से रिलेटेड ये जो कन्वेंशन है डेजर्टिफिकेशन का, इसको पब्लिसाइज करने के लिए 2019 को डिक्लेयर कर दिया है इंटरनेशनल ईयर ऑफ डेजर्ट एंड डेजर्टिफिकेशन। क्या ये सही बात है 2019 को ऐसा डिक्लेयर किया है? चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन सी हो गया सही, यानी स्टेटमेंट वन और टू तो सही है, स्टेटमेंट थ्री गलत है। क्यों? क्योंकि ये 2019 ने 2006 को 2006 को ये डिक्लेयर किए थे इंटरनेशनल ईयर ऑफ डेजर्ट एंड डेजर्टिफिकेशन, ठीक है। बट अभी जो हुआ 14th सेशन हुआ हमारे न्यू मतलब ग्रेटर नोएडा में, जो कि 14th सेशन था, इसलिए COP 14 बोल के बोला जाता है, और इसका गठन हुआ था 94 में, ठीक है। और हमने जो प्रेसिडेंसी लिया किससे लिया, हमने चाइना से प्रेसिडेंसी लिया है इस बार, ठीक है। तो ये सारे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म हो गए जो आपको ये UNCCRD से रिलेटेड जानना जरूरी है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रिसेंटली लॉन्च निष्ठा प्रोग्राम। तो निष्ठा एक प्रोग्राम अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ, तो उससे रिलेटेड हमें तीन स्टेटमेंट दिया हुआ है और हमें करेक्ट ही बताना है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि इट इज अ कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम फॉर इंप्रूविंग क्वालिटी ऑफ स्कूल एजुकेशन थ्रू इंटीग्रेटेड टीचर ट्रेनिंग। मैंने इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से पढ़ाया था, तो उम्मीद करता हूँ ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट आप 10 सेकंड के अंदर ही आंसर कर दिए होंगे, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि ये क्या टीचर ट्रेनिंग और इंटीग्रेटेड टीचर ट्रेनिंग का एक मतलब स्कूल एजुकेशन को थ्रू कैसे किया इम्प्रूव किया जा सके स्कूल को, तो ये क्या ये प्रोग्राम है निष्ठा के अंदर होता है। चलिए देख लेते हैं कि ये टीचर ट्रेनिंग वगैरह इस तरह का देता है कि नहीं। दूसरा स्टेटमेंट है द इनिशिएटिव इज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। तो क्या फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है वेयर इन स्टैंडर्डाइज ट्रेनिंग मॉड्यूल्स आर डेवलप एट नेशनल लेवल फॉर ऑल स्टेट्स एंड यूटीज, ठीक है। तो हर स्टेट एंड यूटीज के लिए ये क्या पहला इस तरह का इनिशिएटिव है। चलिए देख लेते हैं। निष्ठा इज अंडर द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ऑफ समग्र शिक्षा। तो क्या सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है या सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, तो ये चीज का आपको क्लियर होना चाहिए, तभी जाके आप इस तरह का स्टेटमेंट को सही गलत जज कर पाएंगे, ठीक है। तो हमें करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है, बढ़ते हैं आंसर की तरफ। तो ऑप्शन डी हो गया सही, यानी तीनों के ही तीनों सही है, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, क्योंकि ये आपको ऐसा नहीं है सेंट्रली सेक्टर स्कीम में होता तो ये गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल के द्वारा ही पूरा का पूरा स्पॉन्सर होता, पर ये स्पॉन्सर है स्टेट और आपको सेंट्रल में ये रेशियो में डिवाइड होगा। उसके अलावा ये हर स्टेट और यूटी के लिए इनिशिएटिव लिया गया है, और यहाँ ये टीचर ट्रेनिंग का ये एक मात्र बहुत ही मतलब वर्ल्ड का माना जाता है कि सबसे बड़ा इस तरह का ट्रेनिंग लेके आया जा रहा है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना PMUY। तो ये भी काफी था न्यूज में, क्योंकि हमें हमने इस स्कीम से लेकर स्कीम को लेकर क्या हुआ हमें वर्ल्ड पूरे वर्ल्ड में हमें इसको लेकर बहुत ही मतलब बहुत ही चर्चा हमारे बारे में किया गया कि हमने इस तरह का जो स्कीम से हमने लगभग कितने सारे लाखों ऐसे माता बहनों के जो हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसको हमने दूर किए हैं, तो इसलिए काफी ज्यादा न्यूज में था। चलिए देखते हैं PMUY से रिलेटेड तीन स्टेटमेंट दिया हुआ है और हमें करेक्ट पूछा जा रहा है। तो पहला स्टेटमेंट है Under this scheme, the adult woman member of a BPL family identified through the census 2011 is given a deposit-free LPG connection. तो क्या deposit-free LPG connection मिलता है BPL वाले family के जो भी adult woman है? तो चलिए देखते हैं इसका ये तीन keyword हो गया इस पहला statement का। दूसरा statement है all SC/ST household beneficiary, यानी all बोला जा रहा है यहाँ का keyword हो गया, of प्रधानमंत्री आवास योजना are also covered under the scheme. तो क्या आवास योजना के अंदर जो भी है वो लोग भी इसमें SC/ST जो भी हाउसहोल्ड है वहाँ वो भी इसमें कवर है। चलिए देख लेते हैं। इंटरेस्ट फ्री लोन टू परचेज स्टोव एंड रिफिल। इंटरेस्ट फ्री आपको बोल रहा है कि लोन मिलेगा परचेज करने के लिए स्टोव और रिफिल, ताकि किससे, वो भी ऑयल मार्केटिंग कंपनी से, ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है। तो हमें करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है, चलिए देखते हैं आंसर क्या है। तो ऑप्शन डी हो गया सही, यानी तीनों के तीनों ही सही है, ठीक है। ये जो उज्ज्वला योजना है ये 2016 में लॉन्च किया गया था पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के द्वारा। इसके अलावा इसमें 5 करोड़ BPL का टारगेट लिया गया था, और उसके अलावा ये जो डिपॉजिट है मतलब आपको डिपॉजिट फ्री दिया जाएगा LPG कनेक्शन BPL हाउसहोल्ड वाले लोग को, जो कि 31 मार्च 2019 तक में ही उन्होंने टारगेट अचीव भी कर लिया ये, ठीक है। उससे पहले ही एक्चुअली कर लिया ये, और जो 5 करोड़वा जो नंबर थे ना उनको ये स्पेशली पार्लियामेंट में बुला के दिया गया था ये कनेक्शन, 5 करोड़ जो नंबर था उसको, ठीक है। इसके अलावा ये जो स्कीम है ये प्रोवाइड करता है लगभग 1600 रुपये एज अ फाइनेंशियल सपोर्ट, ताकि उसमें वो सारे चीज आ जाए, क्या क्या, जैसे स्टोव हो गया, उसके अलावा
जो भी रेगुलेटर हुआ, ये सब चीज उसी के अंदर 1600 रुपए में आ जाएंगे। तो एक तरह से फाइनेंशियल असिस्टेंस ऐसा नहीं पैसे दे रहे हैं, ये फाइनेंशियल असिस्टेंस 1600 के रूप में आपको ये सारे चीज मिल रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा बाकी सारे चीज को भी अगर आपको चाहिए तो वो फ्री लोन के तहत आप ये कर सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो द गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च ई सहज पोर्टल, ठीक है। ई सहज पोर्टल जो रिसेंटली गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया, वो किससे किसके मतलब ये चारों में कौन सा स्टेटमेंट इसको बोलता है? तो ये है, चलिए देखते हैं आंसर की तरफ। ऐसे क्वेश्चन को बारे में आपको डायरेक्ट आंसर पता होना ज्यादा जरूरी है, वरना क्या होगा कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि ये आप यहाँ पे कैंसिल आउट करना बड़ा टफ होता है इस तरह के डायरेक्ट क्वेश्चन में। तो ई सहज पोर्टल किससे जुड़ा हुआ था? तो ई सहज पोर्टल सिक्योरिटी क्लियरेंस जो कि सेंसिटिव सेक्टर्स में ना, उससे रिलेटेड ये जुड़ा हुआ था, ठीक है। तो जुड़ा था नहीं, अभी भी है ये ई सहज पोर्टल, ताकि सहजता पूर्वक आप सिक्योरिटी क्लियरेंस करवा सके। तो ये मतलब यही तरह से आप इसे याद रखिए, जो कि इकोनॉमिक थ्रेट्स और रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क असेसमेंट जो भी है ना, उससे रिलेटेड ये क्लियरिंग इन्वेस्टमेंट और प्रोजेक्ट प्रपोजल का एक की सेक्टर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नॉर्थ ईस्ट रूरल लाइवलीहुड प्रोजेक्ट NERLP। तो इससे रिलेटेड आपको दो स्टेटमेंट दिया हुआ है और हमें इनकरेक्ट पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें पूछा जा रहा है। अब इनकरेक्ट को ध्यान देते हुए हम दो स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, उसके बाद सोचेंगे कि इनकरेक्ट कौन सा है, ठीक है। पहला बोल रहा है, इट इज अ मल्टी स्टेट लाइवलीहुड प्रोजेक्ट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मतलब DONER एडेड बाय एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो क्या ये एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा किया जा रहा है सपोर्ट? चलिए देखते हैं। इट एम्स टू इम्प्रूव रूरल लाइवलीहुड स्पेशली दैट ऑफ वुमेन अनएम्प्लॉयमेंट यूथ अनएम्प्लॉयड यूथ एंड द मोस्ट डिसएडवांटेजेड इन ऑल द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। तो ये क्या सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में है? चलिए देख लेते हैं इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन हो गया सी, यानी दोनों के दोनों ही गलत है। क्यों? क्योंकि ये एशियन डेवलपमेंट बैंक यहाँ नहीं है, यहाँ पे वर्ल्ड बैंक है इन्वॉल्व, ठीक है। वर्ल्ड बैंक के द्वारा यहाँ पे सपोर्ट किया जा रहा है। और ये जो ऑल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट बोला गया, ये भी गलत है, क्योंकि ये मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम है, ठीक है। ये चार स्टेट मिलके ही, मैंने इन चार स्टेट के जो 11 डिस्ट्रिक्ट है वहां पर ही इस तरह का प्रोग्राम ला जा रहा है डेवलपमेंट से रिलेटेड, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, इसको हाल ही में सेंटर के द्वारा दिया गया है, तो किस फील्ड में? तो चलिए देखते हैं किस फील्ड में है। तो ये है डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड, आपदा आपदा मतलब जब कुछ मुसीबत आ गया तो उससे प्रबंधक करने में, मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट से डील करने में क्या हुआ कि ये जो आपको NDRF 8th बैटेलियन है ना, उन्हों जो गाजियाबाद से बिलोंग करते हैं, उनको ये पुरस्कार दिया गया 2019 का। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत ही एक रिमार्केबल वर्क अपना सपोर्ट किया था डिजास्टर मैनेजमेंट के फील्ड में, इसलिए 8th बैटेलियन NDRF के जो है उनको ये प्राइज दिया गया, ठीक है, आपदा पुरस्कार, जो कि सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम। तो इससे रिलेटेड हमें ऑलरेडी आपने शायद जून या जुलाई मंथ वाले एनालिसिस के टाइम में डिस्कस किया था, तो उम्मीद करता हूँ वो चीज़ आपको अभी याद होगा, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे और यहाँ पे करेक्ट पूछा जा रहा है, ये अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन वन हो गया, मतलब आप स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट जो है वो बोल रहा है कि ये जो स्कीम है इज अ प्रोसेस ऑफ सर्टिफाइंग ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। तो क्या ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को सर्टिफाई करने वाला ये एक प्रोसेस है जो कि इंश्योर करेगा दैट देयर प्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन अकॉर्डेंस विद द लीड डाउन क्वालिटी स्टैंडर्ड। तो ये क्वालिटी स्टैंडर्ड्स का हिसाब से बनाएगा, और ये क्या ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को ही सर्टिफाई करते हैं इस तरह का पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम। चलिए देख लेते हैं। PGS इज लोकली फोकस्ड क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम एंड इन्वॉल्व द पार्टिसिपेशन ऑफ प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। तो क्या ये इन्वॉल्व करता है पार्टिसिपेशन ऑफ प्रोड्यूसर और कंज्यूमर को? चलिए देख लेते हैं, यहाँ का कीवर्ड ये हो गया, पहला स्टेटमेंट का भी कीवर्ड देख लिए, हमें करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। बढ़ते हैं आंसर की तरफ। तो ऑप्शन सी हो गया सही, यानी सही बात है, ये पार्टिसिपेशन ऑफ प्रोड्यूसर और कंज्यूमर को अच्छे से मिलाता है, इन्वॉल्व करता है एक्चुअली में, और उसके अलावा ये एक सर्टिफाइंग जो कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को करने का ही एक ये स्कीम है, ठीक है। इसके अलावा ये भी बात है कि जो ऑफ फार्म एक्टिविटी प्रोसेस होगा ना, एक्टिविटीज, उसको जैसे स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट या वैल्यू एडिशन एक्टिविटीज, उनको इसके तहत नहीं लिया जा रहा है, इसको कवर नहीं किया जाएगा PGS के अंदर, ठीक है। तो ये बस सिर्फ फार्मिंग से रिलेटेड है, जो कि ओनली फॉर फार्मर्स और कम्युनिटीज को ही ये सर्टिफिकेशन का काम करेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंडियन ब्रिज मैनेजमेंट सिस्टम। तो इंडियन ब्रिज मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड आपको तीन स्टेटमेंट दिया हुआ है और हमें करेक्ट पूछा जा रहा है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि जो रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है ना,
वो क्या करें, इन्वेंटराइज ब्रिजेस एंड स्ट्रक्चर्स, ब्रिजेस और स्ट्रक्चर्स अंडर इंडियन ब्रिज मैनेजमेंट सिस्टम। तो क्या सही बात है, रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है जो कि ये इंडियन ब्रिज मैनेजमेंट सिस्टम के तहत इस तरह का ब्रिजेस वगैरह का इन्वेंट कर रहे हैं। तो देखते हैं चलिए क्या है, सही है या गलत है। दूसरा स्टेटमेंट है, IBMS इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म इन द वर्ल्ड ओन्ड बाई अ सिंगल ओनर। तो ये क्या सही बात है कि सेकेंड लार्जेस्ट है पूरे वर्ल्ड में जो कि एक सिंगल ओनर के द्वारा ही ये मतलब कंट्रोल किया जा रहा है। चलिए देख लेते हैं, सोशियो इकोनॉमिक ब्रिज रेटिंग नंबर इज गिवन विच ऑल विच विल डिसाइड द इम्पोर्टेंस ऑफ द स्ट्रक्चर इन रिलेशन टू द कंट्रीब्यूशन टू डेली सोशियो इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द एरिया इन इट्स विसिनिटी। देखिए ये इतना बड़ा स्टेटमेंट आ गया, ऐसा स्टेटमेंट तो सबसे पहले आप जब कुछ बोल रहा हो, कुछ एक्सप्लेन ऊपर से करना चाह रहा हो और इतना लंबा स्टेटमेंट है, तो उसको तो सबसे पहले सही मान लीजिए, उसके बाद आप आंसर की तरफ सोचिए कि ये ऑप्शंस में क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है, चलिए बढ़ते हैं आंसर की तरफ। तो ऑप्शन सी हो गया सही, यानी स्टेटमेंट वन और थ्री सही है, यानी स्टेटमेंट थ्री तुम जैसा मैंने बोला ये एक्सप्लेन कर रहा है, इतना लंबा स्टेटमेंट है तो सही होता है। स्टेटमेंट वन भी सही है, रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ही इसमें इन्वॉल्व है, बट स्टेटमेंट टू गलत है क्योंकि IBMS ना सेकेंड नहीं, ये पहला है लार्जेस्ट मतलब वर्ल्ड का जो कि इतने सारे ब्रिज को सिंगली ओन करता है इसका ओनर। ठीक है, तो इसीलिए ये सेकेंड स्टेटमेंट आपका गलत है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ब्रुसेलोसिस। ठीक है, इसके बारे में भी हमने अच्छे से डिस्कस किया था, तो इससे रिलेटेड भी इस बार तीन स्टेटमेंट फिर से दिया हुआ है और हमें करेक्ट पूछा जाता है। ठीक है, तो बोल रहा है कि ब्रुसेलोसिस इज द प्राइमरी अ डिजीज ऑफ एनिमल्स कॉज बाय ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया फ्रॉम द जीनस ब्रुसेला। तो इस तरह का ये सही बात है कि ये जीनस ब्रुसेला से ये अफेक्ट होकर ये बैक्टीरिया सामने आते हैं। चलिए देख लेते हैं, इन्फेक्शन इन पीपल इज एक्वायर्ड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड एनिमल्स। तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट इन्फेक्टेड एनिमल के साथ होने से क्या ये इन्फेक्ट होते हैं, हम मैंने पीपल भी इन्फेक्ट होते हैं, चलिए देख लेते हैं। तीसरा स्टेटमेंट है कि द बैक्टीरिया विल स्प्रेड टू ह्यूमंस इफ द मिल्क इज कंज्यूम्ड इवन आफ्टर बॉइलिंग। तो इवन आफ्टर बॉइलिंग है ना, इवन आफ्टर ये हो गया यहाँ का कीवर्ड। बॉइलिंग के बाद भी अगर मिल्क पीते हैं तो क्या ये, अगर इस किसी मिल्क में अगर बैक्टीरिया है और हम बॉइलिंग के बाद पीते हैं तो भी क्या उसमें बैक्टीरिया रहेगा और वो ह्यूमंस को अफेक्ट करेगा। तो चलिए ये सही है गलत ये जानना है हमें, और हमें यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन सी हो गया सही, यानी स्टेटमेंट वन और टू तो सही है, स्टेटमेंट थ्री गलत है क्योंकि बॉइलिंग के बाद ना आप मतलब जो भी ये बैक्टीरिया है ना वो क्या होता है, वो मर जाते हैं। तो इसलिए मिल्क ना बॉइलिंग के बाद बोला जाता है कि उस तरह का कंसर्न नहीं है कि आप ये बैक्टीरिया आपको मतलब अफेक्ट करेगा, इसलिए कहा जाता है कि कच्चे दूध को ज़्यादातर आप तो प्रेफर उतना ना करें, एटलीस्ट बॉयल कर ले तब पिए। पानी को भी कहा जाता है कि आप एटलीस्ट बॉयल कर ले तब उसके बाद पिए, क्योंकि बहुत सारे जो भी बैक्टीरियल है वो सब आप बॉयल करने से वो सारे खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे। इसलिए हमेशा बॉयल वो किया हुआ पानी पीजिए, स्पेशली अभी ये पैंडेमिक सिचुएशन में तो बिल्कुल बॉयल ही करके पीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लूनर रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर जो कि LRO है। ठीक है, तो ये इससे रिलेटेड भी तीन स्टेटमेंट दिया हुआ है और हमें करेक्ट पूछा जा रहा है। तो लूनर रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर जो कि LRO, ये क्या नासा का रोबोटिक स्पेस क्राफ्ट जो कि है करेंटली और मून का ऑर्बिटिंग में है। चलिए देख लेते हैं, ये LRO हैज बीन डिस्क्राइब एज एसेंशियल फॉर प्लानिंग नासा फ्यूचर ह्यूमन एंड रोबोटिक मिशन टू द मून एंड लोकेटिंग पोटेंशियल रिसोर्सेज टू द मून। तो चांद से रिलेटेड नासा का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन है जो कि नासा कैसे करके फ्यूचर में ह्यूमंस को और भेजने वाले हैं, तो उससे रिलेटेड ये एक बहुत ही अच्छा उनको इन्फॉर्मेशन देंगे, क्या सही बात है, चलिए देख लेते हैं। उसके अलावा बोल रहा है कि जो LRO है ना ये स्पेस क्राफ्ट ना बहुत सारे इमेजेस चंद्रयान 2 का विक्रम लैंडर जो था ना उसका लिया था जब वो हम लोग साउथ पोल में लैंड कर रहे थे, तो ये क्या सही बात है, चलिए देखते हैं करेक्ट स्टेटमेंट हमें पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन डी हो गया सही, यानी तीनों के तीनों ही सही है, ये सच बात है, ये चंद्रयान 2 का फोटोज भी लिए थे, इसीलिए ये ज्यादा न्यूज में और हमको पढ़ना भी होगा इसके बारे में, इसलिए हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको मैंने दे दिया है। LRO क्या है ये, हाँ ये फ्यूचर में जो ह्यूमन नासा भेजेंगे उनसे रिलेटेड ये बहुत सारे इन्फॉर्मेशन को भी ये गैदर करने वाला है। उसके अलावा ये LRO एक नासा का रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट करंटली है जो कि मून को ऑर्बिट मतलब मून के चारों तरफ घूम रहे हैं। ठीक है, हमारा भी कौन सा एक है जो चंद्रयान 2 का, चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर है वो भी चांद के चारों तरफ घूम रहा है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग MRI स्कैनर्स। MRI स्कैनर से आई थिंक मोस्ट आप हमारे मोस्ट ऑफ द फ्रेंड्स जरूर रूबरू होंगे, तो हॉस्पिटल्स वगैरह हमें सुने ही होंगे MRI स्कैन, CT स्कैन इस तरह के। तो MRI स्कैनर से रिलेटेड यहाँ पे तीन स्टेटमेंट दिया हुआ है, हमें करेक्ट पूछा जा रहा है। तो पहला स्टेटमेंट है, MRI स्कैनर हैव जायंट इलेक्ट्रोमैग्नेट्स विद फील्ड स्ट्रेंथ फार ग्रेटर देन द अर्थ मैग्नेट फील्ड। तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से इसका फील्ड बहुत ज्यादा रहता है क्या?
तो ये हमारा स्कैनर में के अंदर जो जियांट है, मतलब बहुत जियांट मतलब बड़े बड़े इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होते हैं उसका मैग्नेटिक फील्ड क्या अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से भी बहुत बड़ा है। चलिए देख लेते हैं। एमआरआई स्कैनर क्रिएट्स अ डिटेल इमेज ऑफ द बॉडीज इनसाइड। तो क्या एमआरआई ये क्रिएट करता है डिटेल इमेज या पार्शियल इमेज क्रिएट करता है? चलिए देख लेते हैं। बोल रहा है कि इन इंडिया एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड है ना, वो गाइडलाइन करता है एमआरआई स्कैन को, ठीक है? ऐसा यहाँ बोला जा रहा है कि एईआरबी जो है वो गाइडलाइन क्रिएट करते हैं, तो क्या सही बात है? चलिए देखते हैं, आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो ऑप्शन ए हो गया सही, यानी स्टेटमेंट वन और टू तो सही है कि हाँ ये सही बात है कि जो एमआरआई है ये एक जियांट इलेक्ट्रोमैग्नेट है जिसका मैग्नेटिक फील्ड अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से काफी बड़ा ज्यादा है। जैसे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है 0.00005 टेस्ला, बट जो ये फ्रिज मैग्नेट है ना इसका है 0.001 टेस्ला, ठीक है? तो इसलिए ये ज्यादा हो गया, ये कम है, ठीक है? उसके अलावा ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट जियांट है ना उसका कितना टेस्ला है? 0.5 से 1.5 टेस्ला तक, सोचिए कितना ज्यादा है। और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड तो 0.00005 टेस्ला है, काफी ज्यादा हुआ इस मामले में। इसके अलावा ये भी बोला जा रहा है कि इंडिया में जो डायग्नोस्टिक सेंटर है ना वहाँ पे एक्सरे और सीटी स्कैन को ना जो रेगुलेशन है वो एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड करता है अपने अप्रूवल से, बट ये एमआरआई का जो है ना एमआरआई से कोई भी रेडिएशन नहीं प्रोड्यूस होती है। एमआरआई जो है ना ये बस एक आपको मैग्नेटिक से रिलेटेड है, यहाँ पे कोई भी रेडिएशन का कोई कंसेप्ट नहीं है, इसीलिए यहाँ पे ये जो एटॉमिक एनर्जी बोर्ड है ना ये यहाँ पे इन्वॉल्व भी नहीं होते। बस जो मशीन इस एमआरआई स्कैनर को बनाते हैं ना वो कुछ वहाँ पे नॉर्म्स देते हैं, कुछ प्रिकॉशंस देते हैं, बस उसी को ही फॉलो करना पड़ता है, उसके अलावा और कुछ नहीं कि हमको किसी रेगुलेटरी बोर्ड को भी मानना पड़ेगा उसके इंस्ट्रक्शन को, जो कि एक्सरे या सीटी स्कैन करते वक्त हमें मानना पड़ता है, ठीक है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लो अर्थ ऑर्बिट। ये लो अर्थ ऑर्बिट से रिलेटेड हमने मॉर्निंग वाले सेशन में ही किया था, तो उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन को और भी अच्छे से आप अटेम्प्ट कर पाओगे। तो चार ऑप्शन स्टेटमेंट दिया हुआ है और हमें इनकरेक्ट पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। अभी इनकरेक्ट ही ध्यान देते हुए हम चार स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। पहला स्टेटमेंट है इट इज एन अर्थ सेंटर ऑर्बिट विथ एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 2000 किलोमीटर और लेस, ठीक है? आपको याद होगा सुबह हमने क्या पढ़ा था। दूसरा स्टेटमेंट है द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कंडक्ट ऑपरेशंस इन एलईओ। तो ये क्या आईएसए जो है, आईएसएस है जो, वो क्या लोअर अर्थ ऑर्बिट में ही है? चले देख लेते हैं। मेजर डिसएडवांटेज ऑफ द लोअर अर्थ ऑर्बिट इज दैट इट रिक्वायर्स हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर सैटेलाइट प्लेसमेंट। तो क्या ये हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए एलईओ में अगर किसी सैटेलाइट को प्लेस करना है तो? चलिए देख लेते हैं। स्पाई सैटेलाइट्स कैन नॉट यूज एलईओ। तो स्पाई सैटेलाइट जो भी होते हैं वो क्या एलईओ को यूज नहीं कर पाएंगे क्या? चलिए देखते हैं इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन सी हो गया सही, यानी स्टेटमेंट 3 और 4 गलत है। क्यों? स्पाई सैटेलाइट तो आसानी से यूज करेंगे एलईओ को, क्यों नहीं यूज कर पाएंगे? उसके अलावा जो मेजर डिसएडवांटेज जो बोल रहा है ये गलत बात है, क्योंकि लो अर्थ ऑर्बिट पे अगर आपको सैटेलाइट प्लेस करना है ना तो उसके लिए बहुत ही लो अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, तो इसलिए ये एक एडवांटेज है ना कि डिसएडवांटेज है, क्योंकि लो अर्थ अमाउंट ऑफ एनर्जी ही चाहिए सैटेलाइट का प्लेसमेंट के लिए। बाकी दूसरा, पहला और दूसरा तो स्टेटमेंट सही है, हमने मॉर्निंग में ही पढ़ा था, ठीक है? अगला क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग G7 कंट्रीज। तो G7 कंट्रीज से रिलेटेड भी हमने काफी बार एनालिसिस वाले सेशन में भी देखा है, क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस किया है, तो उम्मीद करते हैं फिर से आप ये क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट सही करेंगे। तो तीन स्टेटमेंट हमें दिया हुआ है और हमें करेक्ट पूछा जा रहा है, ठीक है? करेक्ट पूछा जा रहा है। तो बोल रहा है पहला स्टेटमेंट में कि G7 इज अ इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। तो इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है क्या, जो कि कंसिस्ट करता है 7 लार्जेस्ट IMF डिस्क्राइब एडवांस इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड, ठीक है? जो IMF के द्वारा, जो कि IMF में इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड में वो 7 लार्जेस्ट है इकोनॉमिक के टर्म्स में पूरे वर्ल्ड में। तो ये क्या G7 कंट्रीज वही हैं? चलिए देख लेते हैं। दूसरा बोल रहा है कि इंडिया वॉज इन्वाइटेड एज अ नॉन मेंबर कंट्री फॉर द 2019 G7 समिट। तो G7 का समिट जब 2019 में हुआ तो क्या इंडिया को इन्वाइट किया गया था एज अ नॉन मेंबर, मेंबर है, नॉन मेंबर कंट्री है, फिर भी उसको इन्वाइट किया गया था? ये सही बात है क्या, इंडिया को इन्वाइट किया गया था, किसी और को इन्वाइट किया गया था? चलिए देखते हैं तीसरा स्टेटमेंट को। कनाडा, फ्रांस, जापान एंड चाइना आर द मेंबर ऑफ G7 कंट्रीज। तो ये चारों के चारों ही कीवर्ड हो गए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि G7 मेंबर्स कौन है। आपको यूनाइटेड नेशन का मेंबर्स कौन है ये नहीं पूछा जाएगा, पर यूनाइटेड नेशन का मेंबर कौन नहीं है ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। G7 में कौन मेंबर है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कम जो डिजिट है उसको आपको याद रखना ज्यादा जरूरी है, ठीक है? फिर मतलब IMF में कौन मेंबर नहीं है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। WTO में कौन मेंबर
नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो हमने रिसेंटली अभी थोड़े क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन पहले ही हमने पढ़ा था कि WTO का अफ्रीका का में कौन सा मेंबर्स नहीं है, ये हमें पूछा गया था। अभी यहाँ पे G7 में कौन मेंबर है कौन नहीं है, ये बारे में आपको क्लियर होना चाहिए। तो चलिए करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है, बढ़ते हैं आंसर की तरफ। तो ऑप्शन ए हो गया सही, यानी स्टेटमेंट 1 और 2 तो सही है, स्टेटमेंट 3 गलत है। क्यों? क्योंकि चाइना इसका मेंबर है ही नहीं। आपको कनाडा मिल जाएगा, फ्रांस मिल जाएगा, जर्मनी मिल जाएगा, इटली मिल जाएगा, यूके मिल जाएगा, यूएस मिल जाएगा, बट यहाँ पे चाइना नहीं है। रशिया जब हुआ करता था तभी G8 से कहलाया जाता था, बट रशिया के जाने के बाद G7 है, जो कि ये कंट्रीज ही हैं, ठीक है। बट हाल ही में जो कि इनवाइट किया गया 2019 में, इंडिया के साथ ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, चिले, साउथ अफ्रीका, सेनेगल, इजिप्ट, ईरान और रवांडा को, बट ध्यान दीजिएगा चाइना को यहाँ पे इन्वाइट नहीं किया गया था, ठीक है। तो ये सब चीज़ ध्यान देते रहिएगा कि ये सब चीज़ ही इंपॉर्टेंट होता है और ये इस टाइप का क्वेश्चन ही बनता है। तो आप इन्वाइटेड मेंबर्स और जो G7 मेंबर्स है इसमें ध्यान रखिएगा, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पेस सेटर फंड। इसके बारे में भी हमने अपने एनालिसिस वाले सेशन में अच्छे से डिस्कस किया था। तो पे सेटर फंड से रिलेटेड आपको दो स्टेटमेंट दिया हुआ है और आपको करेक्ट पूछा जा रहा है, ठीक है। बोल रहा है कि ये जो फंड है ये ज्वाइंटली कैपिटलाइज किसके द्वारा, इंडिया और जापान के द्वारा ये किया गया है। तो ये क्या सही बात है, चलिए देखते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है इट प्रोवाइड्स अर्ली स्टेज ग्रांट फंडिंग टू एसलेट द कमर्शलाइजेशन ऑफ इनोवेटिव ऑफ ग्रिड क्लीन एनर्जी प्रोडक्ट्स। तो ये देखिए ये क्या कर रहा है, एक तरह का आपको स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर रहा है, एक पेस सेटर फंड को। ये फंड यहाँ पे लिखा हुआ है ऊपर से, फंड से रिलेटेड ही एक एक स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर रहा है। ऐसे स्टेटमेंट ज्यादातर सही होते हैं, क्योंकि आपको कीवर्ड अगर खोजने बैठेंगे तो बहुत सारे कीवर्ड बन जाएंगे और वो बहुत ही अननेसेसरी है, जो कि आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। बस आपको फर्स्ट स्टेटमेंट पे थोड़ा ध्यान देना है, उसी के बेसिस पे आप आंसर कर सकते हैं, ठीक है। करेक्ट स्टेटमेंट हमें पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन बी हो गया सही, यानी स्टेटमेंट 2 तो जैसा मैंने बोला सही है ही, ठीक है। पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जापान ने यूनाइटेड स्टेट के साथ हमने 2015 से इस तरह का चीज कैपिटल कॉन्स्टिट्यूट किया था, पेस सेटर फंड, ठीक है। इसके अलावा ये टोटल मिला के ना 50 करोड़ का ये फंड जनरेट हुआ है, फंड हम लोग यहाँ पे कैपिटलाइज किए हैं, ताकि हम दोनों मिलके, मतलब इंडिया और यूएसए मिलके, इस तरह का मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा हेल्प के 4 प्रोजेक्ट पे काम कर सके, जो कि ये पेस सेटर फंड प्रोग्राम के अंदर ही आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। ये इंडेक्स है, तो इंडेक्स से रिलेटेड बात है, तो ये किसके द्वारा रिलीज किया जाता है। मैंने क्या बोला, आपको इंडेक्स नंबर नहीं पूछेगा कि इंडिया का क्या इंडेक्स है इस चीज में, बट किसके द्वारा लिया गया है ये इंपॉर्टेंट है। किस कौन कौन इसमें, मतलब जो उस बॉडी से रिलेटेड का जो भी इंफॉर्मेशन है वो बस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन किसके द्वारा लाया गया, तो ये लाया गया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ये लाया गया, यानी ऑप्शन सी, ठीक है। तो इसमें ये क्या कर, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम काफी बड़ा है, ये बहुत सारे इंडेक्स निकालते हैं, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मैंने एक ही जगह आपको कोशिश करूंगा कि क्या क्या वो देते हैं अपने इंडेक्स, वो मैं आपको एक जगह में ही आपको बता दूं, ठीक है। एक जगह में करके मैं होगा तो आपको PDF प्रोवाइड करूंगा एग्जाम से कुछ दिन पहले, ताकि आप अच्छे से रिविजन कर सके, ठीक है। उसके अलावा जो ये एनुअल लिस्ट निकालता है, लगभग 115 इकोनॉमीज का निकालता है, जिसमें इंडिया जो है ना इस बार 76 पोजीशन पे आया, जो कि पिछले बार हम लोग 78 में थे, 2 पोजीशन हम लोग गेन किए हैं। और जो टॉप किया गया है वो स्वीडन है, स्वीडन के द्वारा टॉप किया गया है, सेकंड स्विट्जरलैंड है, उसके बाद नॉर्वे है, ठीक है। सारे यूरोपियन कंट्रीज साइड से ही है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बायोटेररिज्म। तो बायोटेररिज्म से रिलेटेड यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है और हमें करेक्ट पूछा जा रहा है। पहला स्टेटमेंट जो बोल रहा है कि इट इज द इंटरनेशनल रिलीज ऑफ वायरसेस, बैक्टीरिया और अदर जर्म्स दैट कैन किल पीपल, लाइफ स्टॉक एंड क्रॉप्स। ये किस तरह का, जिस तरह का अभी COVID-19 जो भी आया है, SARS वायरस, ये भी एक तरह से उसी तरह को बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में आपने देखा होगा कि कहा जाता है कि चाइना इसे बायोटेररिज्म के तौर पे बना रहे थे, बट ये कुछ उनके ही लैबोरेटरी लैब के द्वारा कुछ मिस, मतलब कुछ उनके द्वारा ही गलतियों की वजह से ये बाहर आ गया, जिसके वजह से चाइना के वुहान जो है एरिया, उसको आगे पूरा पूरा से एकदम दूषित कर दिया, वही फिर धीरे धीरे फैलते फैलते पूरे वर्ल्ड पे फैल गया, ऐसा अभी बहुत सारे न्यूज़पेपर का कहना है। इसके ऊपर कोई श्योरमेंट नहीं है, बट अभी तक फिलहाल यही हम लोग को किसी किसी जगह से पता चला है। तो ये सब होता है बायोटेररिज्म, कि इस तरह से मानहानि के लिए वो लोग बहुत ही बड़े मायने में बनाने का सोच रहे थे, बट उनके ही कुछ प्रॉब्लम की वजह से वो वहीं पर वो फैल गया, ठीक है। अगला बोल रहा है स्टेटमेंट में कि बेसिलियस एंथ्रेसिस जो है ना, वो बैक्टीरिया कॉज एंथ्रैक्स। एंथ्रेक्स से रिलेटेड हमने हाल ही में पढ़ा था। तो ये बैसिलस एंथ्रेसिस जो है ना, ये एक बैक्टीरिया जो कॉज करता है क्या, एंथ्रेक्स कैन बी यूज एज अ बायोलॉजिकल अटैक।
तो ऐसा क्या सही बात है बायोलॉजिकल अटैक के तौर पे ये एंथ्रेक्स को जिस तरह से प्रॉब्लम हो सकता है, तो क्या ये इस बैक्टीरिया का यूज किया जा सकता है? चलिए करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है हमें, तो आंसर है ऑप्शन सी, यानी दोनों के दोनों सही है। इस ये बायोलॉजिकल अटैक के तौर पे ना ये बेसिलियस एंथ्रेसिस जो है ये एंथ्रेक्स का एक बीमारी है जो कि प्रोड्यूस करने में हम फैला सकते हैं, मतलब इस तरह का बायोलॉजिकल वेपन के तौर पे यूज किया जा सकता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द रिपोर्ट बाय द वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट ऑफ ग्लोबल फूड ऑन ग्लोबल फूड वेस्टेज, ठीक है, WRI। तो इससे रिलेटेड भी तीन स्टेटमेंट दिया हुआ है और हमें करेक्ट पूछा जा रहा है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि नियरली हाफ ऑफ द फूड दैट इज प्रोड्यूस ईच ईयर गोज अनईटेन। तो क्या लगभग आधा जो खाना जो बनाया जाता है ना पूरे वर्ल्ड लेवल पे, वो मान उनके द्वारा बोला गया है कि वो बिना खाए ही फेंका फेंका जाता है, मतलब बाहर फेंका जाता है, और वो आधा खाना तो वेस्ट के तौर पे बाहर फेंकाया जाता है। तो ये क्या सही बात है? नियरली हाफ, चलिए देख लेते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है द अनईटन फूड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इमिटिंग प्लैनेट वार्मिंग ग्लोबल सॉरी प्लैनेट वार्मिंग ग्रीन हाउस गैसेस इंटू द एटमोसफेयर। तो ये क्या सही बात है कि ये रिस्पॉन्सिबल है इस तरह का चीज, मतलब ग्रीन हाउस गैसेस का और ग्लोबल वार्मिंग का? चलिए देख लेते हैं। तीसरा स्टेटमेंट बोल रहा है सीरियल्स आर द फूड क्रॉप दैट फेस द मैक्सिमम वेस्टेज। तो सीरियल्स क्या सबसे ज्यादा वेस्टेज होता है? चलिए देख लेते हैं करेक्ट स्टेटमेंट हमें पूछा जा रहा है। तो ये उसका हो गया ऑप्शन बी सही, यानी स्टेटमेंट टू सिर्फ सही है, स्टेटमेंट वन और थ्री गलत है। अनईटन फूड के वजह से वार्मिंग ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस गैसेस बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं एटमोसफेयर पे, बट स्टेटमेंट वन गलत है क्योंकि नियरली हाफ नहीं 1/3 ऑफ द जो फूड है ना वो अनईटन ही रह जा रहे हैं लगभग, मतलब 8% ऑफ द सॉरी 8% बोल रहा हूँ, 1/3 ऑफ द जो फूड है ना वो लगभग अनईटन रह जा रहे हैं, जो कि लगभग 940 बिलियन का लॉस है हमारे इकोनॉमी के। अगर हम उतना फूड सेव करते हैं, वो हम खाते ही नहीं वो बचा के रखते, तो लगभग 940 बिलियन पूरे वर्ल्ड में हम सेव कर सकते थे, तो जो कि हम वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, उसके अलावा ये जो अनईटन फूड है ना लगभग 8% ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस करने में, मतलब एटमोसफेयर में लेके आता है। ठीक है, जो कि किसके द्वारा रिपोर्ट लाया गया, तो रिड्यूसिंग फूड लॉस एंड वेस्ट, ये इनके द्वारा ये लाया गया था रिपोर्ट, जिसमें उन्होंने कहा कि जो अनईटन फूड है ना ये भी ग्लोबल वार्मिंग का एक बहुत बड़ा रीजन है, जो कि 8% ऑफ वार्मिंग इनके द्वारा भी होता है। ठीक है, उसके अलावा जो सीरियल्स नहीं है जो कि फूड क्रॉप ज्यादातर वेस्ट होते हैं, क्या कहें, रूट्स और जो ट्यूबर्स होते हैं ना जैसे आलू वगैरह या गाजर, ये सब ना ज्यादातर वेस्टेज होते हैं ऐसा बोला जा रहा है। और सबसे कम वेस्ट होने वाले कौन है? दाल, ऑयल सीड जो होते हैं ना, दाल वगैरह, वो सब कम वेस्ट होते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हम इसका लेक्चर एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए होंगे और सही किए होंगे। जो फ्रेंड्स हमारे नहीं उतना अच्छा अटेम्प्ट कर पाए, तो प्लीज़ निराश ना हो और जितना ज़्यादा हो सके मल्टीपल टाइम्स रिविजन्स करते रहिए, वीडियोज़ को देखते रहिए, और जो भी डाउट्स आए प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। और हमारे कुछ फ्रेंड्स अब धीरे धीरे आ रहे हैं हमारे साथ और कमेंट्स अच्छे अच्छे कर भी रहे हैं, अपने डाउट्स भी लेके आ रहे हैं, तो प्लीज़ आप जितना ज़्यादा क्वेश्चंस लाएंगे, डाउट्स लाएंगे, मैं उतना ही ज़्यादा आपका सोल्यूशन देखें और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ लेके आ सकूंगा, जिससे आपको यूपीएससी एग्जामिनेशन से रिलेटेड आप घर बैठे आपको सारा तरीका का सारा चीज आपको इसी यूट्यूब के माध्यम से मिल सके। ठीक है, तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।